अरे वो आए कि नहीं अपना विवेक क्या? इसको जय को पूछ, वो 2 बजे मैंने इनको बुलाया था। 2 बजे बुलाया था? मैंने कहा था 2 बजे कॉन्फ्रेंस, तुम भी आ जाओ, तुम बता सकते। CFSI से नाराज अभिनेता मुकेश खन्ना अपने त्यागपत्र को सौंप दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इनकी नाराजगी की वजह एक बार फिर बच्चे ही हुए हैं। जानते हैं क्यों नाराज हैं, क्यों आपने रिजाइन किया? देखिए, मैं बच्चों की तरफ बहुत पैशनेट हूँ। बच्चों के बारे में मैंने एक बार एक अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो हमारे साथ रहता है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी का मैटर का अटेंड करता है, उसको भी मैंने बाकायदा एक लेटर में लिखा था। उन्होंने कहा, सर आप तो बहुत मतलब आप बहुत वो हो गए थे, फोर्सफुल थे। मैंने कहा मैं चेयरमैन हूँ, फोर्सफुल तो होऊंगा। और मैंने ये भी बात लिखी उसके मिले, मैंने कहा एनीबडी हु डजंट केयर अ डैम फॉर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, उसके खिलाफ मैं ऐसा ही लिखूंगा, चाहे वो डेकोरम में बैठता है कि नहीं बैठता। तो मेरा ये मानना है कि हम छाती खोल के बोल रहे हैं कि हम 20 साल के बाद सबसे युवा देश होंगे, मोदी जी कहते हैं, हमें खुशी होती है। लेकिन कोई ये पूछता है कि वो युवा जब वहाँ पहुँचेगा कितना शक्तिशाली होगा, कितना शक्तिमान होगा, उसके कंधे कितने मजबूत होंगे? आज के बच्चे जिस तरह से भाग रहे हैं, कैन यू सी दैट? कैन यू गारंटी मी जो बच्चा आज 16 घंटे 12 घंटे व्हाट्सएप के साथ टाइम बिताता है, वो बच्चा कल किसी से आँख से आँख मिला के बात कर पाएगा? कौन रोक सकता है उसको? कोई नहीं रोकता है। चलो माँ बाप नहीं करते, हम फिल्में बना के उनको समझाएंगे इसका आपके प्रॉब्लम्स क्या है। तो इसीलिए मैंने ये महसूस किया कि यहाँ पर कोई बच्चों का सोच नहीं रहा। आपकी 50 साल 60 साल से जो चली आ रही है मिनिस्ट्री, जिस तरह की फिल्में बन रही हैं वैसे ही फिल्में बनाइए, फेस्टिवलों के राउंड लगाइए, स्कूलों को दीजिए, थिएटर में मत जाइए। मैंने कहा सर थिएटर में जाओगे तो ही तो फिल्में रिलीज होंगी, तो ही तो बच्चों तक पहुंचेगी। अदरवाइज कौन स्कूलों में, आप कैन यू गिव मी गारंटी कि 100% स्कूल आप कवर करोगे? चाहे मैं चुप हो जाता हूँ, 100% स्कूल नहीं, आप 25% भी नहीं टच कर पाओगे। बेस्ट तरीका ये है कि इतनी अच्छी फिल्म बनाओ कि डिस्ट्रीब्यूटर आपकी फिल्म को उठाए। तो मुझे ये मेरी ये शिकायत है जो उन्होंने समझी नहीं। 3 साल लगे मेरे को समझाने में, मिनिस्टर 3 चेंज हुए, थर्ड मिनिस्टर तक आते आते बात गले के ऊपर, पानी सर के ऊपर हो गया। और बिफोर आई कुड रिज़ाइन इन अप्रैल, आई थॉट कि मैं खुद हट जाऊं और ताकि लोगों को समझ में आएगा कि कोई बात है। यस जब मेरी बात नहीं सुनी गई, वेंकैया जी ने सुनी मेरी बात, जेटली जी ने सुनी मेरी बात, अभी जो प्रेजेंट मिनिस्टर आए उनको मैंने मिलने की कोशिश की, 4 महीने वेट कर रहा हूँ लेटर लिखकर, मुझे अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ हाँ ना तक नहीं आया। तो मुझे लगा कि मोदी जी को मुझे कहना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने मुझे एज ए शक्तिमान भुज में बुलाया था, आप आइए, हमारे बच्चे बहुत डरे हुए। वो मोदी जी जो देश के लिए इतना अच्छा कुछ कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हमारा युवा देश होगा, उनको मैं कह रहा हूँ कि युवाओं के लिए फिल्में नहीं बन रही। और मैं जब बनाना चाहता हूँ तो मैंने जब वेंकैया जी को समझा वो चले गए, जेटली जी को समझा वो चले गए, अभी जो मिनिस्टर है उनको समझा, उनको मैं मिलना चाहता हूँ, मुझे टाइम नहीं दिया। अभी तक मेरे को मोदी जी की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने कहा बेटर यही है कि या तो मुझे पसंद नहीं किया जा रहा या कुछ मुझ में खोट होगी, तो मैं बाहर रहकर काम कर सकता हूँ ना, ऐसा शक्तिमान। देखिए, इसको थोड़ा सा एक राउंड अबाउट बना के इसी इश्यू पर रखें, क्योंकि ये बीजेपी पार्टी का प्रॉब्लम नहीं है, ये पार्टी, ये प्रॉब्लम में भी एक सोच का है कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है वो एक छोटी सी इंस्टीट्यूट है जिसकी फिल्में ज़रूरी नहीं है कि बड़े लेवल पर बननी चाहिए। और मैंने कहा कि 260 फिल्म बनाने वाला तो कितना बड़ा प्रोड्यूसर होगा, आप प्रोड्यूसर की तरह बिहेव करिएगा। तो बीजेपी पार्टी, इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, एक मेरी मीटिंग हुई थी राज्यसभा के मेम्बरों से, ओबरा शेरटन में एक मीटिंग में वो लोग आए थे, 10-12 बैठे हुए थे राज्यसभा के जो होते हैं हमारे, तो मिनिस्टर्स थे, उनको जब मालूम पड़ा कि 10 करोड़ मिल रहा है मेरे को, तो सब लोग बोले सर 10 करोड़ में क्या होगा? मैं हंसने लगा, बोला सर 5 करोड़ हमारी तरफ से ले लीजिए सर, ओपनली कहा मुझे 5 करोड़ दे दीजिए। अब वो राज्यसभा के सदस्य ऐसे बातों पर हमें कहते हैं, ये मिनिस्ट्री जो हमको INB फंड देती है सिर्फ 10 करोड़, उसको तो समझना चाहिए, नहीं समझे वो। तो मुझे लगता है ये बीजेपी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये एक संकरी सोच का है कि भाई क्या ज़रूरत है फिल्म को रिलीज़ करना।
आप फिल्म को बना के रखिए और उसको स्कूलों में दिखाइए। मैंने यही सोचा है कि मैं बाहर निकल के शायद कुछ कर पाऊँ, बिकॉज ये मूवमेंट मैंने 25 फिल्में पास की थी, 25 बेस्ट ऑफ द फिल्म्स, 25 भी नहीं, शायद मैं कम बोल रहा हूँ। मेरे पास बजट सिर्फ 4 करोड़ का है, मैंने 67 करोड़ की बजट की फिल्में पास करके रखी। पैसे जैसे जैसे आएंगे बनाते जाएंगे, चलो फिल्म को तो रखो अपने पास, कल ऐसा हो कि पैसे आओ और हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है। आज मुझे मालूम पड़ा कि वो फिल्मों को बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो मेरी सोच ये थी कि फिल्में बच्चों के लिए बननी चाहिए, क्योंकि बच्चा आजकल सास भी कभी बहू देख रहा है या भाइयात फिल्में देख रहा है, इंटरनेट देख रहा है। चिल्ड्रन फिल्में आएंगी तो उसका इंटरेस्ट जागेगा, चिल्ड्रन फिल्म के थ्रू उसको मैसेज दीजिए। एज ए चेयरमैन मैं नहीं कर सका, एज शक्तिमान मैं पहले कर रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं फिर से शक्तिमान बन जाता हूँ। बाहर जाकर फिर मैंने एक कंपनी का फॉर्म किया जिसका नाम है शक्तिमान वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन फिल्म, शक्तिमान वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन फिल्म्स, जो मैं प्रेजेंट करूँगा। जो जो बनाना चाहते हैं आगे आए, मैं आपको प्रेजेंटेशन देता हूँ शक्तिमान का। शायद उसमें 2 फिल्में तो ऑलरेडी लाइन पर हैं, बनने को वो लोग रेडी हो गए हैं, ऐसे देखता हूँ। और किसी को अगर, क्योंकि इनके पास अगर पैसे नहीं है तो फिर वो बेचारे 1.5-1.5 साल से वेट कर रहे हैं वहाँ। तो ये मेरा एक अंदर से छोटा सा एक ये मेरा एक सोच है कि मैं शायद इसके थ्रू डिफरेंस क्रिएट कर सकूँ, क्योंकि चिल्ड्रन फिल्में बननी बहुत ज़रूरी है। पहले मुझे बुलाएं तो सही। जैसे अभी सवाल पूछा गया था कि सर आपको बुलाया भी नहीं, मैंने कहा बुलाया छोड़िए, अपॉइंटमेंट छोड़िए, बुलाने के बाद 17 दिन तक मैं चुपचाप बैठा हूँ। प्रेस को मालूम पड़ गया कि मुझे मैंने इस्तीफा दे दिया, छप गया था, लेकिन मैं चुप बैठा था कि मुझे ये बात बाहर नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उनके पास बॉल है, उन लोगों को नहीं भेजा उन्होंने कोई रिस्पॉन्स। और एक दिन लेटर आया मेरी और मुझे मेरी स्टाफ ने लेटर लिखा, सर लेटर इज कम कि मुकेश खन्नाज रेजिग्नेशन लेटर हैज बीन एक्सेप्टेड। तो मुझे नहीं किसी ने बुलाया, ये भी एक वन ऑफ दी स्ट्रेंज रीजंस है, जबकि उनको पता है कि मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ वो बच्चों के लिए करने जा रहा हूँ। तो ये भी मेरी शिकायत नंबर 3 है। 4 नंबर तो शिकायत ये है कि मेरा मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया। आज ये अपॉइंटमेंट ना देने के बाद में ये भी नहीं बताया गया कि आइए बैठिए बताइए क्या प्रॉब्लम है आपका, जो अक्सर होता है, जो होना चाहिए। मैं समझता हूँ मैं भी अगर इस पोजीशन में हूँ तो सामने वाले मेरा कोई लड़का आके बोलेगा मुझे रिजर्वेशन देना है तो मैं उसको बोलूँगा आके बैठ, क्या प्रॉब्लम है तेरा भाई, पूछा तो जाएगा, नहीं पूछा। थैंक यू भाई। नेटिक न्यूज़ के लिए मुंबई से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए बच्चों, हर त्यौहार त्यौहार होता है। हमारे ज़माने में हम त्यौहार सही मायने में बताते थे, शालीनता से बिताते थे, अच्छा करते थे, दूसरों को खुश करते थे। आज के जो त्यौहार बन गए, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, वो ये सोच के नहीं मनाया जाता कि हम पटाखे ज़ोर से फोड़ रहे हैं तो किसी के कान में जाके बेचारा बीमार आदमी तकलीफ होगी। होली में ऐसे ऐसे रंग लगाते हैं जो 4-4 दिन तक नहीं उतरते। होली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, लेकिन शक्तिमान की तरफ से, मुकेश खन्ना की तरफ से एक संदेश ये है कि होली मनाइए, शालीनता से मनाइए, उनके साथ मनाइए जो आपके साथ मनाना चाहते हैं। राहगीरों को पकड़कर ज़बरदस्ती उसके ऊपर रंग मत डालिए, और ये जो खंभों पे लगाने वाले कलर छाप देते हैं आप किसी के चेहरे पर, मत करिए, उसमें केमिकल्स होते हैं, उसका फेस ख़राब हो जाएगा बेचारे का। सो ऑल द बेस्ट फॉर होली, इन्जॉय होली, होली मिलन का त्यौहार है, दोस्त बनाइए। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।
की बहुत